आज मैं आपको बीबी क्रीम बनाकर दिखाऊंगी जिसे लगाकर आप फाउंडेशन लगाना भूल जाएंगे। वाकई गाइस बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, आप मुझे थैंक्स बोलने वाले हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ सुमैया। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और खुश भी होंगे। तो गाइस आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बनाकर दिखाऊंगी जो आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आप डेली मेकअप करते हैं, डेली हम फाउंडेशन यूज़ नहीं कर सकते, तो आज मैं आपको एक बीबी क्रीम बनाकर दिखाऊंगी जो आप इजीली घर पर बना सकते हैं। आपके पैसे भी बचेंगे क्योंकि मार्केट से जो हम बीबी क्रीम लेकर आते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। अगर आप हल्का फुल्का मेकअप करते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। क्योंकि फाउंडेशन हम रोज़ नहीं यूज़ कर सकते, उससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है और एक्सपेंसिव भी होते हैं। अगर आप किसी फंक्शन में भी जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, तो भी आप इसे लगाकर मेकअप कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा और इजीली आप इसे बना सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें जो भी मैं इंग्रेडिएंट यूज़ करती हूँ वो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, इफ़ेक्टिव हैं, कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुँचने वाला है। बहुत अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो अब देख लेते हैं कि इस बेबी क्रीम को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस इस बेबी क्रीम को बनाने के लिए हमें मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होगी, तो 3 स्पून हम मॉइस्चराइज़र की ले लेंगे। जो भी आपके घर में यूज़ होता है आप वो ले सकते हैं, यहाँ मैं निविया का ले रही हूँ। तो गाइस इसके बाद जो हमारा सेकेंड इन्ग्रीडियंट है वो है टेलकम पाउडर। तो जो भी आप घर में यूज़ करते हैं आप उसका इस्तेमाल करें, तो इसकी हमें 2 स्पून लेनी है। बहुत अच्छी ये बीबी क्रीम आपकी बनकर रेडी होगी। अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हमें बहुत अच्छे से करना है जिससे कि आपस में कंबाइन हो जाएं। थोड़ा सा पाउडर हम और ले लेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मार्केट से जो हम बीबी क्रीम लाते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव भी होती है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, या फाउंडेशन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो आप घर में भी बीबी क्रीम बना सकते हैं इस तरह से। तो गाइस इसके बाद जो हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है कॉफ़ी पाउडर। मैं यहाँ नेस्ले का ले रही हूँ, आप किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं कॉफ़ी पाउडर। और थोड़ा सा ही हमें इसमें मिक्स करना है, मिक्स लेकिन अच्छे से करना है। देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, बहुत अच्छा कलर आएगा इस बीबी क्रीम का। लास्ट इंग्रेडिएंट है हमारा टर्मरिक, तो 2 पिंच ही हमें टर्मरिक लेनी है। टर्मरिक आप किचन वाली ले सकते हैं, जो आपके किचन में यूज़ होती है खाना बनाते हुए, आप वो यूज़ कर सकते हैं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो थोड़ी सी ही हमें लेनी है और इन्हें अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और फिर हमारी ये बीबी क्रीम बनकर रेडी हो गई है। तो गाइस अब हमें क्या करना है, हमारी बीबी क्रीम तो बनकर रेडी हो गई है, अब हम इसे किसी भी खाली कंटेनर में स्टोर कर रख लेंगे। तो आपके पास कोई भी खाली कंटेनर हो आप उसमें से स्टोर कर लीजिए। देखिए कलर कितना प्यारा है, आप खुद देख सकते हैं। और इसके बाद आप इसे स्टोर कर फ्रिज में रख लीजिए। आप इसे डेली यूज़ कर सकते हैं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो गाइस इस बेबी क्रीम को मैं अब आपको अपने फेस पर लगा कर दिखाती हूँ। तो देखिए आप फाउंडेशन की जगह इसे लगा सकते हैं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। चाहे आपके स्किन नॉर्मल है या ड्राई है या सेंसिटिव है या ऑयली है, कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। तो आप फाउंडेशन की जगह इसे लगाइए, एक्सपेंसिव भी नहीं है। मार्केट से जो आप फाउंडेशन लाते हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो आप उसकी जगह इसे यूज़ कर सकते हैं, डेली यूज़ कर सकते हैं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो थोड़ी सी आप लीजिए, अपने फेस पर लगाइए, इसकी अच्छे से मसाज कीजिए। इसमें जो मैंने मॉइस्चराइज़र का यूज़ किया है वो इस वजह किया है कि विंटर सीज़न है और विंटर सीज़न में हमारे स्किन को मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है। तो ये हमारे स्किन को मॉइस्चराइज़ करने में हेल्प करेगा। इसमें जो मैंने कॉफ़ी का यूज़ किया है, कॉफ़ी हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, हमारे स्किन को लाइटन वाइटन करने का भी काम करती है, हमारे स्किन को ब्राइटन बनाती है। और टर्मरिक का आप यूज़ जानते ही होंगे, उसमें करक्यूमिन होता है जो हमारे स्किन को लाइटन करने का काम करता है। तो सारी ही चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो इस तरह से आप लगाइए और रिज़ल्ट आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इस बीबी क्रीम का रिजल्ट आया है। इस
तरह से आप बनाकर इसे स्टोर कर लीजिए और जब ये ख़त्म हो जाए तो आप दोबारा इसे बना लीजिए। आप इसे डेली लगा सकते हैं और इसके ऊपर आप मेकअप कर सकते हैं। गाइज, अब मैं आपको मेकअप कर दिखाती हूँ। सिर्फ दो चीज़ें आपको लगा कर दिखाऊंगी और आपके सामने हैं ये सब चीज़ें, मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ, कुछ और मैंने फेस पर नहीं लगाया हुआ है, आपके सामने है। और मैंने सिर्फ ये काजल लगाया है, इसके बाद मैं अब लिप ग्लॉस लगा रही हूँ। सिर्फ दो चीज़ें आप लगाकर भी अच्छे दिख सकते हैं। डेली आप अगर मेकअप करते हैं तो आप बीबी क्रीम लगाकर करिए। अगर आप ऑफिस वर्क करते हैं, आपको डेली मेकअप करना पड़ता है या फिर घर में भी करना पड़ता है, तो आप इस बीबी क्रीम को लगाकर भी मेकअप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरा चेहरा कितना चमक रहा है, कितना ब्राइटन लग रहा है, कितना ग्लो आ रहा है इस बीबी क्रीम को लगाकर। तो गाइज, इस तरह से आप बेबी क्रीम बनाइए, अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आप मुझे थैंक्स बोलने वाले हैं। तो गाइज, आप इससे रिलेटेड मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं या किसी और भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छी, बहुत ही यूजफुल मैंने आपको बेबी क्रीम बनाकर दिखाई है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ऑल स्किन टाइप पर यूज़ की जा सकती है। तो आप इस तरह बनाइए, यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी और भी यूज़फुल सी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। हम फिर मिलेंगे अच्छी सी यूज़फुल सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।